अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली अकबर और आप देख रहे हैं एम प्रिंटर्स। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो किसी फ़ोटोकॉपी मशीन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये है एप्सन प्रिंटर से रिलेटेड। और इसमें ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंक कार्ट्रिजेस कैन नॉट बी रिकोगनाइज, ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है उन तमाम दोस्तों के लिए जो जिनके पास एप्सन के प्रिंटर्स हैं और उन्होंने उनकी ओरिजिनल कार्ट्रिजेस को निकाल कर उसकी जगह पे एक्सटेंशन लगाई होती है। एक्सटेंशन से मुराद ये देखें, इस तरह ये अलग से पाइप लगाए होते हैं, इंक टैंक अलग से यानी के साइड पे लगाया होता है उनके लिए। तो ये कुछ प्रिंट्स के बाद 10 20 50 कुछ भी प्रिंट करने के बाद, कुछ तादाद प्रिंट करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम आता है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको ख़त्म कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये देखिए जी। सबसे पहले जब भी ये प्रॉब्लम आए, आपने इसके कवर को ऊपर करना है, ये रेड बटन को दबाना है एक दफ़ा। इसकी जो कार्ट्रिजेज हैं ये सेंटर में आ जाएंगी, हमने इसको इस पोजीशन पे लेके आना है कार्ट्रिजेज को। ये सेंटर में आ गया इसका प्रिंट हेड, आपने एक दफ़ा रेड बटन को फिर दबा देना, थोड़ा आगे चला गया फिर दबा दें, ये अपनी पोजीशन पर आ गया। अब आप ये देखें, इसके ऊपर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, मैं एक मिनट इसकी लाइट ऑन कर दूं। ये छोटा सा बटन लगा हुआ है, इस बटन को आपने दबा के रखना है तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक। जब हम इस बटन को छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो उसके बाद इसकी कार्ट्रिजेस रिकॉग्नाइज हो जाएंगी और प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। मेरा ख़्याल है कि हो गया टाइम, बटन को रिलीज़ कर दिया। और अब हम इस रेड बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे, प्रेस मैंने कर दिया। अब ये देखें, अब ये अपनी सेटिंग करेगा, इस सारे प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ प्रिंटर्स ज़्यादा टाइम ले जाते हैं और कुछ प्रिंटर्स जो है वो एक मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। तो ये होता उन्हीं प्रिंटर्स के साथ है जिनके अंदर छोटी कार्ट्रिजेस लगी होती हैं, अलग से टैंक नहीं लगा होता, तो बाद में उनका उनकी कार्ट्रिजेस को निकाल के उसके साथ एक्सटेंशन लगाई जाती है। इस तरह के होज़ लगाए जाते हैं, पाइप और टैंक लगाया जाता है साइड पे अलग से। ये सिर्फ प्रॉब्लम उन्हीं प्रिंटर्स में आता है ज़्यादा। और अगर आपका प्रॉब्लम इस तरह भी सॉल्व नहीं होता, तो आपने सिंपल करना ये है कि इस पोजीशन पर ला कर, जिस टाइम मैंने वो बटन दबाया था, आपने बटन ही दबाना, आपने सिंपली इसकी कार्ट्रिजेस को निकाल लेना। कार्ट्रिजेस को निकालने के बाद आपने इसको पावर ऑफ़ कर देना। पावर ऑफ़ करने के बाद आपने तकरीबन 5 सेकंड के बाद पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा कार्ट्रिजेस लगा देनी है। जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ही आपने वो बटन भी दबाना है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, ये देखें जी, अब आपको डेमो को तौर पर दिखाने के लिए मैंने इसमें पहले से एक प्रिंट की कमांड दी हुई थी, ब्लैक पेज है सिंपली। तो ये देखें, इसने प्रिंट भी कर दिया पेज को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।